हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका रीजनिंग में जो टॉपिक है कैलेंडर, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैलेंडर में आपके किस तरीके से जो पॉइंट बताए गए हैं कि सैम वर्ष कब होगी, या लीप वर्ष किसे कहते हैं, या सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, या विषम दिनों की संख्या कब जानेंगे, तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। चलिए इस वीडियो में देखेंगे कैलेंडर से कुछ प्रश्न हैं जो आपको फर्स्ट टाइप, करीब आपके 3-4 टाइप हैं, वो मैं आपको सभी कराऊंगा। तो सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे, और टाइप 1 है आपका मंथ एंड ईयर्स एंड। ठीक है, मंथ एंड ईयर्स एंड, जिसमें महीना और वर्ष कैसा होगा, सेम होगा, तब कैसे पता करें कौन सा दिन कब होगा। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि 25 जनवरी 2005 को बुधवार था, यानी 25 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 3 जनवरी 2005 को क्या होगा। ठीक है, यानी 25 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 3 जनवरी 2005 को क्या था। अब मैंने बताया मंथ एंड ईयर सेम, देखो मंथ जनवरी जनवरी दोनों में है, ईयर 2005 2005 दोनों में, यानी मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है। इसका मतलब ये है कि हम उसी वर्ष में चल रहे हैं और उसी महीने में चल रहे हैं, लेकिन डे जो हैं, दिन हैं, वो कैसे अलग अलग हैं। इसमें 25 दिन दे रहे हैं, इसमें 3 दिन, ये तो क्लियर है कि 25 दिन का आपका बुधवार है 25 जनवरी 2005 को, तो 3 को पूछा। आप करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे इनमें से घटाइए, 25 में से जब 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने आपके 22। अब जो 22 बचे, इनके विषम दिन निकालने के लिए मैंने बताया था, विषम दिन निकालने क्या करते हैं, कुल दिनों में 7 से भाग देते हैं। अब कुल दिनों की यहाँ संख्या कितनी है, 22 है, 7 से भाग दो, 7 21 बचे कितने, 1। अब जो 1 ये बचा है, ये हमारा क्या है, विषम दिन है। ठीक है, क्या है हमारा, विषम दिन है। अब करेंगे क्या, मैंने बताया था अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो विषम दिन जोड़ देंगे, कैलेंडर पीछे जा रहे घटा देंगे। देखते हैं आगे जा रहे पीछे, देखो 25 जनवरी से हम कहाँ जा रहे, 3 जनवरी यानी पीछे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक दिन किसमें से घटा देंगे, बुधवार में से एक दिन घटा दो, क्या बचेगा आपका, मंगलवार। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि 28 मार्च 2006 को शनिवार था, 28 मार्च 2006 को शनिवार था, तो 4 मार्च 2006 को क्या था, यानी 28 मार्च 2006 को शनिवार था, तो 4 मार्च 2006 को क्या होगा। देखिए इसमें भी महीने सेम है और वर्ष सेम है। मैंने बताया है, क्या बताया आपको, फर्स्ट टाइप जो है आपका, इसमें मंथ और ईयर दोनों ही सेम होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसी वर्ष में चल रहे हैं और उसी महीने में चल रहे हैं, लेकिन डे जो है, दिन है, वो आपके अलग अलग हैं। इसमें 28 में 4 करते क्या, सबसे पहले करेंगे क्या, घटाएंगे, 28 में से 4 गए, बचे कितने आपके 24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये 24 बच गए, मैंने बताया था विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन निकालने क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, दे दीजिए भाई 7 21, यानी बचे कितने आपके 3, तो 3 क्या है आपके, ये विषम दिन है। ठीक है, 3 विषम दिन निकल के आ गए। अब ये देखते हैं कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, 28 मार्च से हम 4 मार्च में जा रहे हैं, यानी हम पीछे जा रहे हैं, तो करेंगे क्या, शनिवार में 3 दिन घटा दो, शनिवार में 3 दिन घटाएंगे, क्या कौन सा दिन आएगा, एक दिन घटाया आपका शुक्रवार, दूसरा घटाया आपका कौन सा आ जाएगा, गुरुवार, और तीसरा घटाया आपका बुधवार, यानी तीसरा दिन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बुधवार।
क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए फिर से एक और प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे दिया गया है कि 5 मई 2009 को मंगलवार है, यानी 5 मई 2009 को मंगलवार है, तो 28 मई 2009 को क्या होगा? यानी 5 मई 2009 को तो मंगलवार था, लेकिन 28 मई 2009 को क्या होगा? यानी दोनों महीने भी सेम है, वर्ष भी सेम है, यानी हम उसी महीने में चल रहे और उसी वर्ष में, करेंगे क्या आप घटाएंगे? अब ये मत देखो कि 5 में से 28 जाएंगे, नहीं, 28 में से 5 घटाओ, जो बड़ा है उसी में से तो घटाएंगे कम को, ना कि कम में से ज़्यादा घटाएंगे। घटा दो भाई, 28 में से 5 के बचे आपके कितने, 23 बचे। अब इनके विषम दिन लिखेंगे क्या आएंगे, 2। ये हमारे क्या है, विषम दिनों की संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं ये भी देखते हैं। 5 मई से हम कहाँ जा रहे हैं, 28 मई में, यानी आगे जा रहे हैं, तो करेंगे क्या, ये 2 दिन है वो मंगलवार में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि 2 मार्च 2006 को शनिवार है, यानी 2 मार्च 2006 को शनिवार था, तो 23 मार्च 2006 को क्या होगा? यानी 2 मार्च 2006 को तो शनिवार था, तो 23 मार्च 2006 को क्या होगा? यानी वर्ष कैसी है, समान है, दोनों में सेम है, महीना भी कैसा है, समान है, यानी आपका जो फर्स्ट टाइप है बस वही है। फर्स्ट टाइप आपका क्या है, मंथ एंड ईयर सेम, जिसमें महीना और वर्ष दोनों में सेम है, लेकिन जो आपकी ईयर है, सॉरी डे है, वो आपके अलग अलग हैं। पहला नियम कहता है आप घटाएंगे, घटाते हैं, 23 में से जो 2 गए बचे आपके कितने, 21। अब 21 के विषम दिन निकालिए, 7 से भाग देंगे, बचेगा क्या, 0। यानी कोई भी आपका विषम दिन बचा नहीं, यानी शेष जब कोई नहीं बचता है तो वहां विषम दिनों की संख्या क्या होती है आपकी, 0 होती है। अब 0 का मतलब 0 विषम दिन है, जब 0 विषम दिन हो तो जौन सा दिन है वही दिन होगा, यानी आंसर क्या आएगा आपका, शनिवार ही आएगा। क्लियर हुआ, यानी जौन सा दिन है वही आएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अप्रैल 2004 को सोमवार था, यानी 28 अप्रैल 2004 को सोमवार था, तो 25 अप्रैल 2004 को क्या था? यानी जब 28 अप्रैल 2004 को सोमवार था, तो 25 अप्रैल 2004 को क्या होगा? अब कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आ जाते हैं, घटाते हैं, बचेंगे कितने आपके, 3। अब जो 3 बचे हैं ये आपके कैसे हैं, यानी दिनों की संख्या है। अब विषम दिन निकालें, क्या 7 का भाग चला जाएगा इसमें? जब नहीं जाएगा 7 का भाग इसमें, तो जितने दिन हैं वही आपके क्या होंगे, विषम। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब 7 का भाग ना जाए तो जितने दिन हैं, यानी 7 से जितने भी छोटे होंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, विषम दिन। अब करेंगे क्या,
अब आगे जा रहे पीछे देखो 28 से हम 25 में आ रहे हैं, 25 अप्रैल में आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सोमवार में से तीन दिन घटा दो, सोमवार में से तीन दिन घटाओ, एक आपका शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर आपका गुरुवार, आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, अच्छे से नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसे। चलिए इस टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। उनतीस अगस्त 2016 को बुधवार था, यानी 29 अगस्त 2016 को बुधवार था, तो 1 अगस्त 2016 को क्या था, जल्दी से फटाफट करके बताइए, बहुत ही सरल है जिसे मैं बता चुका हूं। 29 अगस्त 2016 को तो बुधवार था, तो 1 अगस्त 2016 को क्या होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे 29 में से एक गया 28, 28 के विषम निकालेंगे, क्या आएगा जीरो, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी है यहां पर, जीरो है। जब विषम दिनों की संख्या आपकी जीरो हो तो वहां पर जोन सा दिन दिया गया है वही दिन होगा, यानी बुधवार ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले टाइप पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।